मेरे प्यारे साथियों आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जिस तरीके से आप हमारे लाइव वर्क चैनल को प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हम इस नए सेशन में बात करेंगे कि जो रैंप और स्लोप होता है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं जिसे हम रैंप बोलते हैं घर में कार के चलाने के लिए उपयोग करते हैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए उपयोग करते हैं उसी को हम स्लोप कहते हैं तो रैम्प और स्लोप का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं किस तरीके से करते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लेकिन मैंने उसमें रैम्प और स्लोप बनाना तो दिखाया है लेकिन उसका कैलकुलेशन नहीं बताया है तो आज मैं एक शॉर्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कैलकुलेशन के साथ साथ मैं यूट्यूब में जो कैलकुलेशन पड़े हुए हैं उनको भी बताऊंगा कि वो जो यूट्यूब में कैलकुलेशन पड़े हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक रैंप बनाने के लिए एक फाउंडेशन हमें बनाना पड़ेगा तो मैं एक फाउंडेशन आप लोगों के लिए बना देता हूँ देखिए इस तरीके से मैंने एक फाउंडेशन बना देता हूँ और उसकी हाइट बना देता हूँ और दोस्तों ध्यान रखिए आज हम क्या बनाने वाले हैं क्या करने वाले हैं रैम्प और स्लोप का कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हम एक रैम्प का कैलकुलेशन या किसी स्लोप का कैलकुलेशन कैसे करें देखिए मान लीजिए ये मेरा मकान है ये मेरा मकान है और इस मकान का जो फाउंडेशन है वो नीचे से ये जमीन से ये जमीन है मान लीजिए ये ज़मीन है ये नीचे जमीन है ये जमीन से जो फाउंडेशन है इसकी ऊंचाई दो फुट है ये जो हाइट है इधर से लेके इधर तक की जो हाइट है नीचे से लेके जमीन से लेके ऊपर तक की बीम की हाइट ये बीम पड़ी हुई है तो इसकी हाइट दो फुट है तो इसके लिए मैंने देखा कि इसके लिए हमें स्लोप बनाना पड़ता है तो स्लोप हम इस तरीके से इधर पे बनाते हैं तो इसमें मैंने देखा कि इसमें कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं कई सारे चैनल चैनल्स वाले हैं उसमें स्लोप के लिए फार्मूला बताते हैं क्या फार्मूला बताते हैं मैं लिख देता हूं देखिए फॉर्मूला वो लिखते हैं कि स्लोप इक्वल टू राइज राइज अपॉन रन अब देखिए ये कितनी मतलब हम लोग कंफ्यूजन में डाल देते हैं क्योंकि कि हमारा स्लोप बनना ही दिक्कत होता है देखिए राइज और रन अब वो राइज रन किसको बोलते हैं वो मैं आपको बना देता हूँ देखिए जो हमारी फाउंडेशन की ऊंचाई होती है इसको वो लोग राइज कहते हैं वो जो सीधी वाली लंबाई होती है इसको रन कहते हैं और इसको कह? इसको स्लोप कहते हैं वो इसको स्लोप कहते हैं अब समझना ध्यान से इसको राइज कहते हैं इसको रन कहते हैं इस लंबाई को और इसको स्लोप कहते हैं अब आप समझ ये समझिए जब हमें राइज मालूम है ये राइज हमारी जो है ये राइज हमारी दो फुट है और रन हमें मालूम है मान लीजिए रन हमारे पास कितनी है छः फुट है फुट है तो भाई जब हमें ये ये वाली जो ये वाली जो रन मालूम है तो स्लोप बनाने में हमें क्या दिक्कत है स्लोप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है वो बड़ी दिक्कत वाली बात है जिसको हमें रन मालूम नहीं है कि हम रन रखें तो कितना रखें स्लोप बनाने में ये रन रखें तो हम कितना रखें कितने दूर तक हमें स्लोप ले जाएं जो ये हमारा ये ये वाला स्लोप है यह जो हमारा रैंप है तो ये रैंप हम कितने दूर तक ले जाएं? मेन समस्या हमारी कहाँ खड़ी हो जाती है कि ये जो रन जो हमारे सारे यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं कि भाई आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए इससे कैलकुलेशन कर लीजिए स्लो बराबर राइज अपॉन रन अब राइज अपॉन रन में मान लीजिए हमारा रेशियो निकला एक अनुपात सौ तो क्या हम एक अनुपात सौ में बना लेंगे नहीं बना पाएंगे हमारा निकला अनुपात एक अनुपात पचास क्या हम एक अनुपात पचास में स्लोप बना लेंगे नहीं बना पाएंगे तो ये सबसे बड़ी समस्या है हम ना एक अनुपात सौ में बना पाएंगे ना एक अनुपात पचास में बना पाएंगे और यदि हमारे पास राइज और रन दोनों हैं तो हम बना ही लेंगे और हमारे पास राइज मान लीजिए दो फुट है राइज हमारा दो फुट है और रन हमें मालूम नहीं है तो हम कैसे फॉर्मूला लगा पाएंगे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे तो इन्हीं सारी समस्याओं में जो सारे यूट्यूबर्स हमें गोल मोल घुमाते रहते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम रन रखें तो कितना रखें अपने स्लोप को कितना लंबा बनाएं कितने दूर तक बनाएं कैसे बनाएं तो ये सारी समस्याएं जो आपका चैनल जो है आपका मेरा नहीं आपका लाइव वर्क चैनल वो सॉल्व करेगा आप इस इस फॉर्मूले को भूल जाइए बिल्कुल भी याद नहीं करना है स्लोप बराबर राइज अपॉन रन क्योंकि जब हमारे पास रन अवेलेबल अभिल नहीं है रन हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बना पाएंगे ना आपको ये रेशियो याद रखना है ना आपको कुछ आपको बस सिर्फ याद रखना है ये दो फुट कि आपके घर की हाइट जो है वो दो फुट है अब इसको देखो कैसे बनाएंगे अब हम इसको दूसरे पेज पे, पे आपको बना के दिखा देते हैं देखिए बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप घर बना रहे हैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन रहती है घर बनाने में इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है मैं आपको रैम्प रैंप और स्लोप रैम्प एंड स्लोप का रैम्प एंड स्लोप का इजी कैलकुलेशन मैं इसको इजी क्यों नाम दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा दिमाग लगाया है आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है ठीक है ना आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है मैंने सब दिमाग लगा के उसको मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं देखिए आपको बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है इसमें क्या चीज का ध्यान रखना है आपको अपनी फाउंडेशन हाइट अब देखो कैसे इसका कैलकुलेशन हमें करना है देखिए स्लोप इस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको ये रफली बना देता हूं देखिए इस तरीके से स्लोप बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है मैं आपको बना देता हूं देखिए इस तरीके से हम घर में स्लोप बनाते हैं इस तरीके से ये हमारा घर है ये घर की हाइट है ये हाइट है देखिए ये हाइट है ये हाइट मान लीजिए टू फिट है ये रफली बना रहा हूँ मैं अब हमें मेन चीज निकालना है ये चीज़ अगर ये चीज़ ये लंबाई हमें पता चल जाएगी तो हम इसको स्लोप को ढलाई कर देंगे क्योंकि ढलाई करने में हमें दिक्कत नहीं है हमें बस ये पता चल जाए कि हमें कितनी दूर तक रैंप को ले जाना है अगर हमें ये पता चल जाएगा कितनी दूर तक रैंप को ले जाना है तो हम समझ जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम अपने आप इधर से लेके इधर तक एक बीम डाल देंगे ये दो फुट हमारा हाइट है तो दो फुट से सीधी बीम डाल देंगे बस ये हमें पता करना है एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है तो इसी का सॉल्यूशन हमारे पास है कैसे करना है सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ग्राउंड क्लियरेंस का जो हमारा गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो दो तीन प्रकार के ग्राउंड क्लियरेंस होते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा 200 हंड्रेड ग्राउंड क्लियरेंस की ये हर कार का ग्राउंड क्लियरेंस होता है दूसरा बात करूंगा मैं 200 हंड्रेड mm से कम जैसे 200 हंड्रेड mm से कम ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है जैसे वन एट्टी mm होता है वन सिक्सटी mm होता है कई गाड़ियों का कई कारों का किसी का 165 सिक्सटी mm फाइव होता है ये सब सभी कारों का अलग अलग होता है ग्राउंड क्लियरेंस देखिए एक तीसरी बात करूंगा जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 हंड्रेड mm एम से अधिक होता है जैसे 225 सौ पच्चीस एम ग्राउंड क्लियरेंस होता है ये कार का नीचे से जो हाइट होती है जिससे चैम्बर टकरा जाता है वही ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ इसका किसी गाड़ी का दो सौ तीस भी होता है कई गाड़ियों का ढाई सौ एम भी होता है टू हंड्रेड फिफ्टी एम अब ये तीन चीजें अब आपकी गाड़ी किस रेंज में आ रही है वो आपको समझना है आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियर दो सौ एम एम है या दो सौ एम एम से कम है या आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियर दो सौ एम एम से अधिक है उस हिसाब से आप देख लेना हम बताएंगे इसकी जो एक्स की वैल्यू है वो निकालना कैसे हमें एक्स की वैल्यू निकालना है मैं आपको बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही बताऊंगा ये जो x की वैल्यू है x की वैल्यू तीन निकलेंगी इसमें देखिए एक इसके लिए निकलेगी एक इसके लिए निकलेगी एक इसके लिए निकलेगी विथ एग्जाम्पल मैं प्रूव करूंगा और आपकी गाड़ी बिल्कुल दौड़कर चल जाएगी इतना अच्छा रैम बनेगा ये रैम का सबसे सरल कैलकुलेशन है आप कोई भी फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़िए कोई भी रेशियो के मत चक्कर में मत पढ़िए अब x की वैल्यू कितनी निकलेंगी तीन देखिए पहली वैल्यू हम x की वैल्यू निकाल देते हैं देखिए यदि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 200 सौ एम है तो देखिए जो ये दो फुट रहता है इससे जो एक्स की वैल्यू होगी वो तीन गुनी होगी तीन गुनी देखिए अगर हम दो फुट के रेशियो के हिसाब से चलें तो एक्स की वैल्यू इस फाउंडेशन का अगर फाउंडेशन को हम करें फाउंडेशन लिख दें फाउंडेशन फाउंडेशन का कितना गुना होगा तीन गुना होगा कितना गुना तीन गुना ये मैंने लिख दिया हंड्रेड परसेंट मेरे पास भी जो गाड़ी है उसको भी मैंने तीन गुना करके दौड़ा के चढ़ाया और आप लोग भी चढ़ाओगे दूसरी जो एक्स की वैल्यू होगी ये जो एक्स की वैल्यू है इक्कीस ग्राउंड क्लियरेंस के लिए है ये एक्स की वैल्यू जो है ये 200 सौ mm एम ग्राउंड क्लियरेंस के लिए है कितने के लिए ये 200 सौ mm एम ग्राउंड क्लियरेंस के लिए एक्स की वैल्यू है अगर 200 सौ mm एम से आपकी गाड़ी जो है नीची है 200 सौ mm एम से कम का ग्राउंड क्लियरेंस है तो आपको जो फाउंडेशन है फाउंडेशन है उसमें आपको दो सौ एम से कम के लिए अगर एक सौ अस्सी के आसपास है तो आप साढ़े गुना लंबाई रखिए और अगर वो 160 सौ साठ एम एम है तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला आप फाउंडेशन में चार का गुणा कर सकते हैं जी एफ लिख दिया चार का गुणा क्योंकि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है 160 सौ साठ एम एम है तो आपको चार गुना रखना पड़ेगा फाउंडेशन हाइट का देखिए दो फुट का आपको चार गुना रखना पड़ेगा यानी आपका आठ फुट लंबा रैम बनेगा ज़्यादा नीचा फाउंडेशन है तो चार गुना थोड़ा कम है तो साढ़े तीन गुना दो सौ एम एम है तो तीन गुना तो ये हो गया कम के लिए ये हो गया एक सौ अस्सी एम एम के लिए एक सौ अस्सी एम एम के लिए ये हो गया और 160 सौ साठ एम के लिए ये हो गया इसके बाद एक एक्स की वैल्यू हमारी और निकलेगी वो निकलेगी यदि आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियर दो सौ बीस एम के, mm के आसपास है तो उसके लिए थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं फाउंडेशन जो है फाउंडेशन में आप चाहें तो तीन का गुणा ना करके टू पॉइंट सेवन फाइव का गुणा कर सकते हैं क्यों क्योंकि उसका फाउंडेशन जो है थोड़ा ऊंचा हो गया है तो ये तीन चीज आप ये जरूर याद रखें दो सौ mm के लिए फाउंडेशन हाइट का तीन गुना एक सौ अस्सी एम के लिए फाउंडेशन हाइट का साढ़े तीन गुना और अगर एक सौ साठ है तो फाउंडेशन हाइट का चार गुना और यदि आप दो सौ बीस है ग्राउंड क्लियर थोड़ा ऊँची गाड़ी है जैसे बोलेरो हुई या कोई कमांडर गाड़ी हुई तो उसका आपको रखना है टू गुना फाउंडेशन का अब इस दो सौ एम के जो हिसाब से मैं इसके फाउंडेशन बता देता हूँ जैसे मान लीजिए आपने जो घर बनाया उसका फाउंडेशन मान लीजिए दो फुट है ये दो फुट है ये फाउंडेशन कितना है ये फाउंडेशन है मान लीजिए दो फुट तो दो फुट के हिसाब से यदि दो सौ एम एम वाली ग्राउंड क्लियरेंस की, की गाड़ी है तो इसके लिए जो ये लंबाई होगी ये वाली लंबाई वो होगी दो फुट का कितना गुना करना है तीन गुना तो ये छः फुट का रैम्प अगर आप बनाओगे छः फुट का रैम्प बनाओगे रैम्प या स्लोप बनाओगे स्लोप तो आपकी गाड़ी दौड़ कर चढ़ जाएगी कितने फुट का छः फुट का यदि आपका दो दो फुट से रैम्प के हिसाब से अगर हम एक सौ साठ एम एम वाले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो दो फुट के लिए आपको आठ फुट का रैम्प बनाना पड़ेगा कितना फुट का रैम्प बनाना पड़ेगा आपको आठ फुट का रैम्प या स्लोप बनाना पड़ेगा और यदि आपकी गाड़ी का 220 सौ बीस ग्राउंड क्लियरेंस है तो उसके लिए आपको इसका दो का ये 2.75 गुना करना पड़ेगा तो दो का 75 गुना करेंगे तो चे दस, दस चे दो पंच दस दो चौदह एक पंद्रह दो तू नहीं चार एक पाँच आपको साढ़े पाँच साढ़े पाँच फुट का रैम्प बनाना पड़ेगा अब आपको अगर इसके बाद भी रैंप और स्लोप में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल लाइव बर्फ पर आप कमेंट करें क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए क्योंकि कभी कभार गाड़ी की लंबाई भी बढ़ जाती है ये मैंने बताया नॉर्मल गाड़ी जिसकी नॉर्मल लंबाई होती है और लेंथ मैंने ये बता दी 200 हंड्रेड एम ग्राउंड क्लियरेंस एक सौ अस्सी एम ग्राउंड क्लियरेंस एक सौ साठ एम ग्राउंड क्लियरेंस और 220 सौ बीस एम ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आप कर लोगे और अभी भी कोई दिक्कत है तो आप चैनल लाइव बर्फ पर आप कमेंट करें मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और यदि या आप नए हों तो चैनल लाइव बर्ब को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि लाइव बर्ब चैनल हमेशा लाइव से रिलेटेड कुछ बातें अपलोड करता रहता है ये मेरा चैनल नहीं ये आपका चैनल है तो हम लाइव से रिलेटेड छोटी छोटी बातें डालते रहते हैं जो आपके लिए जरूरी है और तो हमारे लिए भी ज़रूरी है और लाइव में कभी ना कभी समस्याएँ आती रहती हैं तो उन्हीं समस्याओं को हम सॉल्व करते रहते हैं तो ये कैलकुलेशन जो मैंने बताया है स्लोप का कैलकुलेशन है रैम का कैलकुलेशन बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आप इसके चक्कर में मत पड़िए मैंने आपको बता दिया है इसका आप चाहें तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए और अपने मिस्त्री को बता दीजिए कि भैया हमारा नए घर का रैंप ऐसे बनाना है और इस तरीके से हमारे भैया ने समझाया है तो इसी तरीके से आप बनाइए अपने कार का ग्राउंड क्लियरेंस जरूर पहले चेक कर लें यदि आप ग्राउंड क्लियरेंस नहीं चेक कर पा रहे तो गूगल पर आप डाल दें किस तरीके से आप बोलें जैसे आपकी मान लीजिए कार स्विफ्ट डिजायर है तो आपको ऐसे बोलना है स्विफ्ट डिजायर ग्राउंड क्लियरेंस ये गूगल पर बोलोगे तो ग्राउंड क्लियंस आ जाएगा तो उसी तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर लेना तो आज के लिए दोस्त इतना ही दोबारा से नई समस्या जो कोई होगी तो उसको लेकर उपस्थित होंगे जय हिंद जय भारत